तो दोस्तों आप यह वीडियो को देख लेते हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर से GL और SL को क्रैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यह वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट साइड टाइम देते हो तो आप यहाँ पर से अच्छा खासा विनिंग करते हो भाई। सभी लोग का यहाँ पर से चांसेस होता है। सबसे पहले ये समझ लो SL क्या होता है, बहुत सारा लोग कन्फ्यूजन में रहता है। तो SL का मतलब ये होता है, जैसे आपने यहाँ पर से मान लो 125 रुपया एंट्री फी लगाया और उसमें जो आपको 2 या 3 लोगों को हराना होता है उसमें आपको जो प्राइज दिया जाता है 400 रुपया रहता है, 500 रुपया रहता है, उसका मतलब SL होता है। और GL का मतलब ये होता है, सबसे पहले GL में बड़ा बड़ा जैसे 30 लाख 40 लाख 49 रुपया में आपको 1 करोड़ मिलता है एक नंबर रैंक पर, उसको यहाँ पर से GL कहते हैं। तो वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप ड्रीम इलेवन में एक प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके और आसानी तरीका से स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो आप उसे क्रैक कर सकते हो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर टारगेट रहता है कि भाई GL में मैं किसी प्रकार क्रैक करूँ। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, GL में जो एक नंबर रैंक पर आपको कभी कभी 1 करोड़ रुपया या 4 लाख या 5 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर से एक व्यक्ति ही एक नंबर रैंक लाता है। छोड़ो यार, मुझे एक नंबर रैंक की कोई जरूरत नहीं, मुझे 1 से लेकर 10 नंबर रैंक भी आ जाता है तो मैं यहां पर से अच्छा खासा पैसा को जो हुआ विनिंग कर सकता हूं। तो मैं कैसे विनिंग करता हूं, यदि मेरा आपको प्रूफ देखना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो विनिंग करता हूं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। अभी इसका नियम नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पर बता दूं। तो जिसे भी मेरा विनिंग का जो वो प्रूफ देखना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और जाकर के मेरा पूरा प्रूफ वहां पर से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से पहले मैं आपको फायदा का बात बता देता हूं गाइस। टेलीग्राम चैनल पर होता है ये, जब भी यहाँ पर से किसी भी प्रकार का मैच होता है, जैसे मान लो T10 का मैच होता है, T20 का मैच होता है या ODI का मैच होता है, किसी भी प्रकार का मैच होता है, तो मैं अपना फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर जो वो प्रोवाइड करता हूँ। तो लिंक जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के जुआन हो सकते हो और मेरा प्रूफ जाकर के विनिंग का देख सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको पूरा बारीकी से एनालिसिस करता हूं। सिर्फ वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले यह जो टिप्स होगा वह 2 टिप्स है, एक यहां पर से स्मॉल लीग के लिए और एक GL के लिए। तो इसमें स्मॉल लीग में आपको सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको GL का बताऊंगा। तो GL के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले देख लो SL में क्या होता है 1% के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर से टीम ए से लेकर के यहाँ पर से के तक के, क्योंकि मुझे जो प्लेयर्स मिलता है दोनों तरफ से मुझे 22 प्लेयर्स मिलता है गाइस। प्लेयर्स जो मुझे कितना मिलता है 22 प्लेयर, 1-2 यहाँ पर से 22 मिलता है। जैसे मान लेते हैं आज का मैच जो हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की तरफ से होने जा रहा है, तो इंडिया इधर से प्लेइंग 11 टीम रहेगा, फिर यहाँ पर से साउथ अफ्रीका तक के तरफ से प्लेइंग 11 टीम रहेगा, तो मुझे जो टोटल प्लेयर्स मिलता है 22 प्लेयर्स मिलता है। और मुझे जो दोस्तों सेलेक्ट करना रहता है यहाँ पर से 11 प्लेयर ही सेलेक्ट करना रहता है, ड्रीम 11 एप्लीकेशन या कोई भी फंटासी एप्लीकेशन हो, तो उसमें यहाँ पर से जो मुझे 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने 1% के हिसाब से, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है वह SL के लिए यानी स्मॉल लीग के लिए, जिसमें आप छोटा छोटा एंट्री फी लगा करके ढेर सारा पैसा विन करते हो। तो गाइस मुझे जो प्लेयर मिलता है यहाँ पर से 11 प्लेयर मान लेते हैं इंडिया का, ये 11 प्लेयर है यहाँ पर से 1 से लेकर के 11, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर से जो लिखा हूँ ए से लेकर के तक के। और इधर मैं आपको बताता हूँ, इधर से आप देख सकते हो, जैसे मान लेते एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर से टीम 1 ये हो गया और टीम 2 ये हो गया, तो इसमें जो मुझे मिला हुआ 11 प्लेयर मिला है स्मॉल ए से लेकर के यहाँ पर से के तक के। तो मैं आपको बताता हूं परसेंटेज के हिसाब से आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो सबसे पहले मुझे जो मिलता है वह विकेट कीपर मिलता है, तो विकेट कीपर जो मिलता है, तो जैसे देख लो यहाँ पर से ए एक कोई टीम है, मान लेते ए एक कोई टीम है, विराट मान लेते यहाँ पर से विकेट कीपर में क्विंटल डिकॉक हो गया, ऋषभ पंत हो गया, मान लेते ए जो है वह ऋषभ पंत है या क्विंटल डिकॉक है, तो इनका परसेंटेज देख सकते हो कितना प्रतिशत लोगों ने इनको सेलेक्ट किया। तो दोस्तों दिखाई देता हुआ टीम ए को जो है वह 91% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है। और इसके तरफ से इधर से देख लेते, तो इधर से आप देख सकते हो विकेट कीपर में 24% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो मुझे जो सेलेक्ट करना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखना। तो सबसे पहले देख सकते हो मुझे जो यहाँ पर से 91% दिखाई देता होगा और इधर से 24% है, तो मैं यहाँ पर से जो सेलेक्ट करना है ये जो है 91% है, इसको मुझे विकेट कीपर में सेलेक्ट करना है और इसको जो है ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इसका परसेंटेज आपको दिखाई देता होगा जैसे देख सकते हो 24% है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर से ये हो गया, इधर से हो गया ऋषभ पंत और इधर से हो गया क्विंटल डिकॉक, तो मान लेते हैं ऋषभ पंत को कितना लोगों ने सेलेक्ट किया, तो 91% लोगों ने सेलेक्ट किया यह स्मॉल लीग के लिए। तो मैं यहाँ पर से विकेट कीपर जो सेलेक्ट करूंगा गाइस, मेरा जो विकेट कीपर रहेगा ए विकेट कीपर रहेगा, जिसको यहाँ पर से 91% लोगों ने जो हुआ सेलेक्ट किया उसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। और विकेट कीपर मैं एक ही लेकर के चलूंगा स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा। अब आप कोशिश करना, यदि पिच जो है
बैटिंग पिच रहता है, जैसे पिच का हाईएस्ट स्कोर जो आपको देखने को मिलेगा 180 से लेकर के 190, तब आपको लगे हाँ ये दो विकेट कीपर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला, तब आप ले सकते हो, दो विकेट कीपर के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं जो फिलहाल विकेट कीपर सेलेक्ट किया हूँ, एक ही विकेट कीपर को सेलेक्ट किया हूँ। अब चर्चा करते हैं मुझे जो विकेट कीपर के बाद मुझे मिलता है बैटिंग सेक्शन, उसके बाद ऑलराउंडर्स, उसके बाद मुझे जो यहाँ पर से मिलता है वह बॉलिंग सेक्शन मिलता है। तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा बैटिंग सेक्शन से। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर से ए से लेकर के ई तक के बैटिंग सेक्शन है, क्योंकि मुझे बैटिंग सेक्शन जो हुआ मान लेते टीम वन की तरफ से ए से लेकर के बी से लेकर के सॉरी दोस्तों बी से लेकर के ई तक के जो हुआ बैटिंग सेक्शन है टीम वन की तरफ से। और टीम टू की तरफ से देखते हैं तो इधर से आप देख सकते हो, आपको दिखाई देता होगा स्मॉल बी से लेकर के ई तक के आपको दिखाई देता होगा। तो ये यहाँ पर से इसमें हमको देखना कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर से आपको बी को दिखाई देता होगा 44% है, उसके बाद सी को देख सकते हो आपको जो 70% लोगों ने सेलेक्ट किया, और गाइस डी को आपको 27% और ई को देख सकते हो आपको 8.56% लोगों ने सेलेक्ट किया। तो इसके हिसाब से मुझे सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इधर से देख लो, आपको 70% काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता होगा, तो मुझे 70% वाला को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो 70% में यहाँ पर से देख सकते हो सी है, यानी तीसरे नंबर पर मुझे सी नज़र आता है। तो मैं यहाँ पर से जो सेलेक्ट करूँगा मेरे टीम में सी रहेगा, तो तीसरे नंबर का मैं यहाँ पर से सी को सेलेक्ट कर लिया हूँ। और गाइस कितना प्रतिशत लोगों ने इनको सेलेक्ट किया, 70% लोगों ने सेलेक्ट किया, तो मैं इनको ले लिया हूँ। और इधर से आप देखते हैं इधर से, क्योंकि 22 प्लेयर्स मिलता है, 22 प्लेयर्स में मुझे जो लेना रहता है वह 11 प्लेयर्स को मुझे यहाँ पर से सेलेक्ट करना रहता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर से बी को देख सकते हो 71% लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर आपको दिखाई देता होगा सी को आपको दिखाई देता होगा 51% लोगों ने जो इनको सेलेक्ट किया हूँ। बाकी आप देख सकते हो इधर से आपको सी जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले इधर से जो टीम वन की तरफ से 70% वाला को ले लिया हूँ, और आपको बी को जो देता हुआ 71% है, तो मैं यहां पर से 71% वाला को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं। तो देख सकते हो स्मॉल बी आपको दिखाई देता हुआ कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया, 71% लोगों ने सेलेक्ट किया, तो मैं अपना टीम में इनको जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी आपको इधर से दिखाई देता हुआ 51%, फिर 68% आपको नजर आता होगा। तो ये प्लेयर्स और ये प्लेयर्स भी काफी ज्यादा यूजफुल है। और इधर से सबसे पहले देख लेते हैं, तो इधर से आपको 44% दिखाई देता होगा, और आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा रिस्क में खेलना चाहते हो, चलो यार सभी लोगों ने तो इनको सेलेक्ट किया लेकिन मैं थोड़ा कम वाला को सेलेक्ट करूंगा, तो आप यहां पर से जो हुआ दूसरे नंबर पर बी को ले सकते हो 44% में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा रिक्सी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन आप रिक्स लेना नहीं चाहते हो, तो आप यहां पर से 71% वाला को तो मैं सेलेक्ट कर लिया, 51% फिर 68% वाला को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो फिलहाल सेलेक्ट करने वाला हूं यहां पर से आपको जो दूसरे नंबर पर यहां पर से कैपिटल बी जो दिखाई देता होगा, मैं इस प्लेयर्स को 44% लोगों ने लिया है यहां पर से, मैं इनको सेलेक्ट कर लिया। बाकी एक जो मैं सेलेक्ट करूंगा यहां पर से आपको जो दिखाई देता है वो चौथे नंबर पर स्मॉल डी का जो प्लेयर है, चौथे नंबर पर स्मॉल डी का जो प्लेयर है कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया, यहां पर से 65% लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूं। तो गाइस इस प्रकार से देख सकते हो मैं विकेट कीपर परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया हूं, बैटिंग सेक्शन सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद मुझे ऑलराउंडर्स सेलेक्ट करना है। तो ऑलराउंडर्स में आते तो देख सकते हो आपको ऑलराउंडर्स इधर से दो ऑलराउंडर्स है, कभी कभी ये होता है इधर से मान लेते हैं इंडिया की तरफ से तीन ऑलराउंडर्स देखने को मिलेगा, कभी कभी वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको दो ऑलराउंडर्स देखने को मिलता है, नहीं तो कभी कभी तीन भी होता है, कभी कभी चार भी होता है। तो वह पिच रिपोर्ट के हिसाब से आपको लेना है ऑलराउंडर्स। मान लेते हैं इसका पिच जो होने वाला है वह बैलेंसड है, बैलेंसड का मतलब ये होता है इस पिच पे बॉलिंग भी चलता है और साथ में बैटिंग भी चलता है। तो गाइस यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो नज़र आता होगा ऑलराउंडर्स के कितना प्रतिशत टीम वन की तरफ से, मान लेते ये टीम वन हो गया, कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया, तो देख सकते हो आपको 62% लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर आपको 76% लोगों ने सेलेक्ट किया। तो इधर से आप बोलो कि भाई ये दो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इधर से तो देख लिया, बाकी इधर से मैं देखता हूँ। तो गाइस इधर से देख सकते हो आपको जो ऐप दिखाई देता होगा साथ में छठे नंबर पर, फिर आपको सातवें नंबर पर जी प्लेयर जो दिखाई देता होगा, तो आपको यहाँ पर से 61 और गाइस आप देख सकते 58% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है। तो मैं जो ऑलराउंडर से सेलेक्ट करूंगा यहां पर से एक रिक्सी टीम खेलूंगा, क्योंकि मुझे रिक्स खेलने में काफी ज्यादा, यदि रिक्स थोड़ा टीम बनाते हो तो आपका टीम थोड़ा भी डिफरेंस होता है स्मॉल लीग में, तो आप आसानी तरीके से जो हुआ विनिंग कर जाओगे आपको, क्योंकि यहां पर से छोटा छोटा एंट्री फी रहता है, ज्यादा नहीं 2 से 3 लोगों या कभी कभी 4 लोगों को हराना होता, और मैं यहां पर से अच्छा खासा पैसा को विन कर सकता हूं स्मॉल लीग के लिए। तो सबसे पहले मुझे 70 कितना यहां पर से 7 नंबर का जो प्लेयर है जी नाम का जो प्लेयर है गाइस
76% लोगों ने सेलेक्ट किया तो मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। और बाकी इधर से देखते हैं तो इधर से आपको जो दिखाई देता हुआ 61% लोगों ने जो वो छठे नंबर का यानी स्मॉल ऐप का जो प्लेयर्स है यहाँ पर से मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। तो चलिए मैं फिलहाल इधर से देखते हैं तो इधर से आपको जो दिखाई देता होगा वह कितना प्रतिशत है। तो गाइस यहाँ पर से 76% का तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ। बाकी ऐप जो प्लेयर्स है देख सकते हो 62% लोगों ने लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से जो वह छठे नंबर का प्लेयर्स यहाँ पर से ऐप नाम का प्लेयर्स है 62% लोगों ने सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। इधर से आप देखे हुए तो ये दो प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज दिखाई देता हुआ यहाँ पर से जो छठे नंबर का प्लेयर्स है ऐप नाम का प्लेयर्स यहाँ पर से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से छठे नंबर का ऐप नाम का जो प्लेयर्स है इसको सेलेक्ट कर लिया। कितना प्रतिशत लोगों ने इनको लिया 61% लोगों ने लिया। तो गाइस देख सकते हो इस प्रकार से मेरा एक विकेट कीपर बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर से सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर से अब मुझे देखना है यदि आप ऑलराउंडर से तीन लेते हो तो तीन प्लेयर्स मेरा यहाँ पर से 4 और 3 7 एक आर और एक आपको यहाँ पर से एक विकेट कीपर दिखाई देता होगा। 8 प्लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे जो अब सेलेक्ट करना है 3 ही बॉलर्स को सेलेक्ट करना है। तो वह आप अपने अनुसार से यहाँ पर से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो टीम को यदि आपको जैसा पिच लगे सबसे पहले मैच खेलने से पहले या टीम लगाने से पहले। गाइस आपको जो वह पिच देखना है पिच कैसा रहने वाला बैटिंग पिच होने वाला या बॉलिंग पिच होने वाला उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे जो अब यहाँ पर से जो बॉलिंग सेलेक्ट करना है 3 ही बॉलिंग सेलेक्ट करना है। यदि मैं एक ऑलराउंडर से ड्रॉप करता हूँ तब जाकर के मुझे 4 बॉलर से जो हुआ सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर से देख सकते हो 8 से लेकर के 11 तक के आपको ये एक बॉलिंग सेक्शन हो गया। एग्जाम्पल की तौर पर मान लेते हैं ये बॉलिंग सेक्शन हो गया जो टीम 1 की तरफ से और टीम 2 की तरफ से देख सकते हो। गाइज आपको जो दिखाई देता होगा 8 से लेकर के 11 तक के जो इधर से बॉलिंग सेक्शन है तो इसमें हमको देखना है परसेंटेज कैसा है। तो यहाँ पर से देख सकते हो एच प्लेयर्स नाम का जो परसेंटेज आपको दिखाई देता होगा 67 फिर आपको 85 और आपको यहाँ पर से जो 12 नज़र आता होगा 22 देख सकते हो। तो इसमें आप बोलोगे भाई एक ये प्लेयर से जो मुझे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर से ये प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कितना लोगों ने सेलेक्ट किया 85% लोगों ने सेलेक्ट किया। क्यों इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा हुआ तब इनको सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मेरे टीम में ये प्लेयर्स रहेगा। बाकी इधर से चर्चा करते थे इधर से देख सकते हो आपको एच नाम का प्लेयर्स को कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया 48% फिर आपको दिखाई देता होगा 85% फिर आपको यहाँ पर से 46% फिर आपको यहाँ पर से 51%। तो इसमें बोलोगे भाई चलो यहाँ पर से एक ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला। तो चलो मैं यहाँ पर से सबसे पहले जो 85% का नाम का जो प्लेयर्स है यहाँ पर से आई नाम का 9वें नंबर का जो प्लेयर है आई नाम का 85% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया मैं भी सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी इधर से देखोगे तो आप बोलोगे यहां पर से ये प्लेयर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं यहां पर से जो 8वें नंबर का जो प्लेयर्स है 8वें नंबर का प्लेयर्स कितना 75% लोगों ने जो हुआ सेलेक्ट किया मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी इधर से आप देखोगे तो इधर से आपको फिर दिखाई देता होगा 9वें नंबर का आई नंबर का प्लेयर्स जो आपको 85% लोगों ने सेलेक्ट किया फिर यहां पर से आप देख सकते हो 51% लोगों ने सेलेक्ट किया। तो चलिए मैं यहां पर से जो सेलेक्ट करता हूं 85% जो नाम का 85% लोगों ने जिनको इनको जो सेलेक्ट किया देख सकते हो 9वें नंबर का जो प्लेयर्स है आपको जो दिखाई देता होगा आई नाम का मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप चाहते हो बॉलिंग सेक्शन बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो क्योंकि इस प्रकार से मुझे बॉलर 3 पुरता फिर ऑलराउंडर्स 3 पुरता 3 और 3 6 और गाइस यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन में 6 4 10 और यहाँ पर से एक ये प्लेयर्स हो गया 11 प्लेयर्स को मैं यहाँ पर से सिलेक्शन कर लिया हूँ। बाकी इसमें हम चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले यदि पिच बैटिंग रहता है तो यहाँ पर से बैटिंग की तरफ से आप जा सकते हो कैप्टन और मान लेते पिच जो है इस पिच का एवरेज स्कोर मान लेते हैं बैलेंस है तो गाइस बैलेंस का मतलब ये होता है इस पिच पे जो वो बॉलिंग भी चलता है बैटिंग भी चलता है। तो इसमें आप ऑलराउंडर सेक्शन से जो वो सी कर सकते हो और बीसी जो वो बैटिंग सेक्शन से नहीं तो आप चाहो तो यहां पर से बॉलिंग सेक्शन से बना सकते हो। तो गाइस ये टिप्स जो है वो आप अप्लाई करते हो स्मॉल लीग के लिए खास करके या स्मॉल लीग के लिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो ग्रैंड लीग का होने वाला है तो वीडियो को आप लोग जो वो पूरा ध्यान पूर्वक देखते रहना। तो चलिए मैं यहां पर से अब आपको जो वो ग्रैंड लीग का टिप्स बताता हूं। यह टिप्स काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला आप देख लेते हो तो आप ग्रैंड लीग को आसानी कैसे जो वह क्रैक कर सकते हो। तो गाइज मैं अब जो आपको बताऊंगा वह जीएल के लिए यानी ग्रैंड लीग के लिए तो यहाँ पर से आप लोग जो हुआ पूरा ध्यानपूर्वक देखना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपको एक नज़र आता होगा मैंने आपको एक चैट बनाने की कोशिश किया हूँ बना करके यहाँ पर से समझाने की जो हुआ कोशिश किया हूँ आपको पिच रिपोर्ट दिखाई देता होगा। तो सबसे पहले आपको पिच एक दिखाई देता होगा बैटिंग पिच और गाइज गुड फोर पेस और गुड फोर यहाँ पर से देख सकते हो स्पिनर्स। उसके बाद यहाँ पर से आपको एक बैलेंसड नज़र आता होगा यानी बैट्समैन और गाइज यहाँ पर से जो आपको बॉलर्स बैलेंसड का मतलब ये
ये होता है इस पिच पर जो हुआ बैटिंग सेक्शन भी चलता और साथ में बॉलर सेक्शन भी चलता, और इस पिच पर आप देख सकते हो गुड फोर पेस और गाइस गुड फोर यहाँ पर से स्लो नजर आता हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, यदि आप यह समझ लेते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हो बैटिंग पिच है, तो अब इस बैटिंग पिच पर जो हुआ मान लेते इसका पिच जो है वह बैटिंग पिच है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो यह जो पिच होने वाला है बैटिंग पिच है, और इस पिच पर मान लेते एवरेज स्कोर एग्जाम्पल की तौर पर 170 होने वाला है, 180 होने वाला है, तब ये जो है वह बैटिंग पिच होने वाला है। और बैलेंसर का मतलब ये होता है इस पिच पे जो है, यह समझ लो आपको समझने काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बैलेंसर का मतलब ये होता है इस पिच पर मान लेते 150 से लेकर के 160, नहीं तो आप कह सकते हो 135 भी देखने को मिलेगा, 140 भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 150 भी रख सकता है, 160 भी रह सकता है पिच का जो एवरेज स्कोर है रन का, और गाइस यहां पर से 135 भी रह सकता है, 140 भी रह सकता है। तब आपको कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक यहां पर से परसेंटेज के हिसाब से बताया हूं, तो गाइस यह जो बताऊंगा यहां पर से देख सकते हो बीड आउट परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो यह पिच जो होने वाला है मान लेते सबसे पहले बैटिंग पिच के लिए, तो बैटिंग पिच है तो गाइस इस पिच का एवरेज स्कोर आपको देखना है 170 है, 180 है, तब आपको विकेट कीपर कितना लेना है। तो मान लेते यदि पिच का 180 एवरेज स्कोर है तब आपका जो विकेट कीपर कितना होना चाहिए, इसमें आप विकेट कीपर 2 ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर से आपको टीम 1 आपको ए दिखाई देता होगा, तो यहां पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो यदि पिच का एवरेज स्कोर 170 से लेकर के 180 रहता है तब आप 2 विकेट कीपर कर सकते हो। जैसे यहां पर से मैंने कैपिटल ए को सेलेक्ट कर लिया, और बाकी आप चाहो तो स्मॉल ए को भी सेलेक्ट कर सकते हो। बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना ग्रैंडलिंग विनिंग करना है। तो गाइस यहाँ पर से मैंने विकेट कीपर कितना लिया, 2 विकेट कीपर ले लिया हूँ। और इधर से चर्चा करते हैं बैटिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए, तो मैं जो बोलूंगा यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन जो होना चाहिए, और थोड़ा आप रिक्स लेना चाहते हो ग्रैंड लीग के लिए, तो आप यहाँ पर से विकेट कीपर 1 कम भी कर सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर से डेविन कैनवो भी नजर आता होगा, गाइस यहाँ पर से आप बोलोगे कैनवो का भी काफी अच्छा खासा फॉर्म है, और यहाँ पर से आपको क्विंटल डिकॉक भी नजर आता होगा। और मान लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर से जो श्रीलंका की तरफ से विकेट कीपर में आते हैं कुशल मेंडिस आते हैं, तो आप बोलोगे इधर से कुशल मेंडिस हो गया, इधर से कैनबो हो गया, तो ये 2 प्लेयर से जो बैटिंग सेक्शन है और बैटिंग ऊपर करने आते हैं। थोड़ा रिक्स लेना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कैनबो को ले सकते हो या आप कुशल मेंडिस को सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल की तौर पर मान लेते कैनबो A1 हो गया, और इधर से गाइस स्मॉल A1 में आपको जो कुशल मेंडिस नजर आता होगा, तब आप एक विकेट कीपर कर सकते हो। बाकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए, तो इसमें जो आपका बैटिंग सेक्शन होना चाहिए वो 4 बैटिंग सेक्शन होना चाहिए। आप परसेंटेज के हिसाब से जाना चाहते हो तो इसमें भी जा सकते हो, थोड़ा ग्रैंडलिंग में रिक्स खेलना होता है। जब तक कि आप रिक्स नहीं खेलोगे तो आपका यहाँ पर से ग्रैंडलिंग जो हुआ क्रैक नहीं हो पाएगा। तो गाइस मान लेते यदि यहाँ पर से डी प्लेयर्स को कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर से 27% लोगों ने सेलेक्ट किया, या मान लेते हैं यहाँ पर से इनको कितना प्रतिशत लोगों ने सेलेक्ट किया, यहाँ पर से देख सकते हो ई को गाइस 5वें नंबर का प्लेयर से 8.5% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो आप इस प्लेयर्स को लेते हो तो आपका जो कंपटीशन बचता है मात्र आप कितना प्रतिशत लोगों के साथ लड़ रहे हो, 8% लोगों के साथ लड़ रहे हो, तो इसके हिसाब से भी जा सकते हो। बाकी इसमें जो आपका जो बैटिंग सेक्शन होना चाहिए वो बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, 4 बैटिंग सेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने विकेट कीपर में सेलेक्ट कर लिया, 2 बैटिंग सेक्शन जो आपको होना चाहिए टीम 1 की तरफ से, और 2 बैटिंग सेक्शन जो होना चाहिए टीम 2 की तरफ से। तो देख लो यहाँ पर से टीम आपको बैटिंग सेक्शन में जो दिखाई देता होगा, मान लेते गाइस यहाँ पर से जो वह डी प्लेयर्स यानी 4थे नंबर का डी नाम का प्लेयर से यह चलेगा, और आप बोलोगे भाई यह तो चलेगा और साथ में बी नाम का प्लेयर से चलेगा, तो यहाँ पर से अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे देख सकते हो बी नाम का प्लेयर जो 2रे नंबर का उसको सेलेक्ट कर लिया, और गाइस डी नाम का जो प्लेयर से आपको जो दिखाई देता है वो 4थे नंबर का जो प्लेयर से उसको सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी 2 बैटिंग सेक्शन जो आपको टीम 1 की तरफ से तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूं, और टीम 2 की तरफ से आपका 2 बैटिंग सेक्शन होना चाहिए। मान लेते सी नाम का जो प्लेयर से यह चलेगा, डी नाम का जो प्लेयर से यह भी चलेगा, तो 3रे नंबर का जो प्लेयर से सी स्क्वायर नाम का, तो गाइस यहां पर से आप ले सकते हो 3रे नंबर का प्लेयर्स को, और 4थे नंबर पर आपको डी नाम का प्लेयर से वह आप रख सकते हो इसके तरफ से। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने से पहले प्लेयर्स का जो है आपको डाटा निकालना है। गाइस पिछले 3 मैच का आप डाटा यहां पर से निकाल करके इस प्रकार से आप प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना जैसे आप मान लेते हो यहां पर से बी प्लेयर से जो हुआ रोहित शर्मा हो गया, तो गाइस रोहित शर्मा को आपको पिछले 3 मैच का दिखला है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बाद आप यहां पर से मान लेते हो विराट कोहली, तो विराट कोहली का भी देखना, और इधर से मान लेते गाइस इधर से जो हुआ मान लेते एग्जांपल की तौर पर से निशंका हो गया, उसके बाद गाइस आप बोलोगे यहां पर से अश्लंका हो गया, ये प्लेयर्स को बैटिंग सेक्शन में आपको खुद से डाटा निकालना है।
उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। पिच का एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, 170 से लेकर के 180। अब चर्चा करते हैं गाइज ऑलराउंडर्स इसमें कितना होना चाहिए। इसमें ऑलराउंडर्स जो आपका होना चाहिए वह 2 ऑलराउंडर्स होना चाहिए। तो इसमें मान लेते हैं हार्दिक पांड्या भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस में चला, एग्जाम्पल की तौर पर मान लेते हैं अपना का प्लेयर्स जो हो गया वह हार्दिक पांड्या हुआ, तो आप यह प्लेयर्स को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों कारण, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। तो यह जो रीजन होने वाला है, क्योंकि यह जो गाइस पिच जो हुआ बैटिंग पिच है, तो इसमें ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, 1 ऑलराउंडर्स इसके तरफ से सेलेक्ट करते हो टीम 1 की तरफ से। तो गाइस एफ नाम का जो 6 नंबर का प्लेयर से मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूं, और डाटा आपको खुद से निकालना है गाइस। किसी भी यहां पर से आप टीम लगाते हो, डाटा निकालना है हर एक प्लेयर का, वह आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई भी यहां पर से साइट से निकाल सकते हो। तो यहां पर से 6 नंबर का जो प्लेयर से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं इधर से एक प्लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा, जैसे जी नाम का प्लेयर से मान लेते हैं। यहां पर से इनका परफॉर्मेंस जो हुआ पिछले 2-3 मैच का रिकॉर्ड काफी अच्छा खासा रहा, तब मैं इनको यहां पर से जो हुआ सेलेक्ट कर लेता हूं। जी नाम का जो प्लेयर्स हो गया, मैं यहां पर से कितने नंबर का प्लेयर्स हो गया गाइस देख सकते हो, 7वें नंबर का जो प्लेयर्स है, 6 नंबर का प्लेयर से मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूं। तो इसमें ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों, किस रीजन से, मैं आपको बताता हूं। तो गाइस इस प्रकार से आप देखोगे तो विकेट कीपर 2, बैटिंग सेक्शन 4, तो गाइस 4 और 2 6 और 2 8। क्यों, किस रीजन से, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह जो है पिच हुआ बैटिंग पिच होने वाला है, तो बैटिंग जो हो सकता है मेरा देख सकते हो 4 और 2 6, 6 बैटिंग सेक्शन मेरा यहाँ पर से हो चुका है, और ऑलराउंडर्स 2 6 और 2 8। उसके बाद चर्चा करते हैं यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए। इसमें बॉलिंग सेक्शन जो मेरा होना चाहिए वह 3 बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। तो मैं किस किस प्लेयर्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ, वह आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर से आई नाम का 9वें नंबर का प्लेयर से मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। और गाइज आपका इसमें जो बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए, जैसे टॉस के हिसाब से आप बॉलिंग सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यह जो पिच होने वाला, मान लेते हैं बैटिंग पिच होने वाला, जैसे एग्जाम्पल की तौर पर मानते हैं इंडिया सबसे पहले बैटिंग किया, तो गाइस आपका जो 2 बॉलर्स होना चाहिए वो इंडिया की तरफ से होना चाहिए। और मान लेते हैं श्रीलंका यहां पर से बॉलिंग कर रहा है, तो गाइस यहां पर से श्रीलंका की तरफ से जो सबसे पहले बॉलिंग करता है, तो एक यहां पर से बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये इंडिया का टीम हो गया, ये श्रीलंका की टीम हो गया, एग्जांपल की तौर पर मान लेते हैं। तो गाइस मेरा जो प्लेयर्स होना चाहिए 9वें नंबर का, जो यहां पर से आपको दिखाई देता होगा आई नंबर का, तो 9वें नंबर का मैं यहां पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूं। और गाइस इधर से देख सकते हो, और गाइस के नाम का, तो गाइस देख सकते हो के नाम का 11वें नंबर का जो प्लेयर है, के नाम का मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूं। और इधर से जो आपका होना चाहिए 10वें नंबर का जे नाम का प्लेयर से, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर से कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर से इनको सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस मैंने जो यहां पर से बॉलिंग सेक्शन सेलेक्ट किया हूं, किस कारण, यहां पर से देख सकते हो, यदि आपको यहां पर से जो गुड फोर पेस यानी फास्टर्स का यहां पर पिच होने वाला, तब आप फास्टर्स बॉलर को सेलेक्ट कर सकते हो। यदि मान लेते हैं गुड फोर यहां पर से स्लो यानी स्पिनर का पिच होने वाला, तो गाइस आप स्पिनर्स को ले सकते हो अधिकतर। उसके बाद आपको यहां पर से आता है, जो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह जो पिच होने वाला वो फास्टर्स को मदद मिलता है। तो यार फास्टर्स को मदद मिलता है, तो मुझे फास्टर्स बॉलर्स को लेना है। उसके बाद स्पिनर बॉलर को यदि मदद मिलता है, तो मुझे स्पिनर बॉलर्स को लेना है। तो इसी रीजन है यहां पर से गुड फोर पेस, और गाइस यहां पर से देख सकते हो गुड फोर आपको स्लो नजर आता होगा। तो यह जो आपको रिकॉर्ड खुद से देखना है पिच कैसा रहने वाला है, यहां पर से पेसर्स को मदद मिलता है या स्पिनर्स को मदद मिलता है। उसके बाद आपको बॉलिंग सेक्शन सेलेक्ट करना है। अब चर्चा करते हैं बैलेंस्ड रहता है तब आपको। तो इस प्रकार से तो मेरा प्लेइंग 11 टीम जो हुआ सेलेक्ट हो चुका। अब हम इसमें चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कैसे बनाना है। तो गाइज इसका जो पिच होने वाला हुआ बैटिंग पिच होने वाला, तो आपको जो कैप्टन जाना है वह बैटिंग की तरफ से जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपने हार्दिक पांड्या या सॉरी दोस्तों यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन में आपने मान लेते हैं विराट कोहली को कैप्टन बनाया, मान लेते हैं यहाँ पर से 4 नंबर का जो प्लेयर डी नाम का जो प्लेयर से इसे आप यहाँ पर से सी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बी सी आप बनाना चाहते हो, तो आपको देखना है गुड फोर पेस। यदि गाइज यह जो पिच होने वाला फास्टर्स को मदद मिलता है, तो यहां पर से मान लेते हैं भुवनेश्वर कुमार को आप अपने टीम में लिया है, तो यहां पर से इनको वीसी बना सकते हो। यदि यहां पर से आप एग्जांपल की तौर पर देख सकते हो गुड फॉर स्पिन रहता, तब आप स्पिनर्स बॉलर्स को बना सकते हो वीसी, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका कैप्टन जो है और वाइस कैप्टन सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर से आप चर्चा करते हैं यदि पिच जो रहने वाला है बैलेंस्ड रहने वाला, तब आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो बैलेंस्ड रहेगा तब आपको पिच का एवरेज स्कोर सबसे पहले देखना है। यदि गाइस 150 या 160 है, 135 या 140 है, तब आपको कितना विकेट कीपर लेना है। तो बैलेंस्ड है, तो इसमें आपका जो विकेट कीपर मान लेते इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वह 150 होने वाला है, तब आपका विकेट कीपर कितना होना चाहिए, एक विकेट कीपर होना चाहिए। यहां पर से एक ही विकेट कीपर आपको होना चाहिए। बैटिंग सेक्शन इसमें कितना होना चाहिए, कभी कभी आप क्या कर सकते हो 4 बैटिंग सेक्शन कर सकते हो। किस आधार पर, यदि पिच का बैलेंस्ड 150 है 160 रहता, तब आप 4 कर सकते हो। मान लेते 150 है, तो यहां पर से आपका बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, 3 बैटिंग सेक्शन होना चाहिए। ऑलराउंडर्स इसमें कितना होना,
होना चाहिए, तीन ऑलराउंडर्स होना चाहिए। जैसे आप ऑलराउंडर्स में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पर से जो एग्जांपल के तौर पर गाइस देख सकते हो जी नाम का जो प्लेयर्स है, यहाँ पर से इनको ऑलराउंडर सेक्शन से जो वह सेलेक्ट कर लिया हूँ। सातवें नंबर का जो प्लेयर्स है मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले मेरा जो प्लेइंग इलेवन टीम कैसे पुरता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो विकेट कीपर एक हो गया, तो गाइस यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन एक दो और तीन, तो मुझे यहाँ पर से चार पुर गया, चार और तीन सात। और इसमें जो है आपका बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, चार बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये जो पीछे बैलेंसड होने वाला है, तो बैलेंसड होने के कारण इस पिच पे जो बैटिंग सेक्शन को भी मदद मिलता है। यदि 150 का रहता तब आप कितना कर सकते हो, आपको जो बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए चार बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। यदि पिच का एवरेज स्कोर जो रहना चाहिए यदि 160 रहता तब आप बैटिंग सेक्शन चार कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते 150 है तब आपका यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, चार बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। जैसे देख लो मैं यहाँ पर से 11वें नंबर का जो प्लेयर से के स्क्वायर नाम का जो एक प्लेयर से मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो इस प्रकार से मुझे तो प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले देख लो मेरा प्लेइंग 11 टीम पूरता या नहीं पूरता। तो गाइस एक विकेट कीपर हो गया, तीन बैटिंग सेक्शन, तो यहाँ पर से आपको चार और तीन सात और चार ग्यारह, मेरा यहाँ पर से 11 प्लेयर जो हुआ सेलेक्ट हो चुका है। और इसमें हम चर्चा करते कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस मैंने आपको सबसे पहले इसमें जैसे आपको बताया हूँ कि इसमें आपको गुड फोर पेस और ऑलराउंडर्स में तीन किस कारण लिया, क्योंकि गाइस देख लो ऑलराउंडर्स के पास दो मौका होता है। यहाँ पर से ऑलराउंडर्स के पास दो मौका कैसे होता है, यहाँ पर से ऑलराउंडर्स में ये होता है इनको बॉलिंग से भी मौका मिलता है और साथ में इनको जो हुआ बैटिंग से भी मौका मिलता है। तो दो मौका मिलता है। मान लेते कभी कभी बॉलिंग से नहीं चलते, बॉलिंग से नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर से एग्जाम्पल के तौर पर बैटिंग से चलेंगे। और गाइस मान लेते बॉलिंग से भी चलते हैं और बैटिंग से भी चलते हैं, तो मान लो यहाँ पर से बॉलिंग से जो दो विकेट लिए, दो विकेट का मुझे जो पॉइंट मिलेगा कितना पॉइंट मिलेगा, तो दोस्तों आपको 50 पॉइंट मिलेगा। यदि बैटिंग से मान लेते वह 30 रन की पारी खेल दिए, 30 रन मारे हैं, तो गाइस यहाँ पर से चौका छक्का भी रहेगा तो आपको यहाँ पर से जो वह 50 पॉइंट मिल जाता है, तो डायरेक्टली आपको जो 100 पॉइंट मिल जाता है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस गुड फोर पेस रहता है तो आपको जो कैप्टन बनाना है वह यदि कोई फास्टर से यहाँ पर से फास्टर सेक्शन से यानी ऑलराउंडर सेक्शन से यदि कोई फास्ट बॉलिंग करता है, जैसे हार्दिक पांड्या को मान लो यहाँ पर से हार्दिक पांड्या को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, तो इनको आप सी बना सकते हो। और आपके टीम में रहता हार्दिक पांड्या, यदि आप ऑलराउंडर सेक्शन से इनको कैप्टन बनाते हो तो आपको जो हुआ एक यानी मान लो यहाँ पर से कैप्टन का जो दो पॉइंट दिया जाता है, तो गाइस आपको डायरेक्टली जो यहाँ पर से 200 पॉइंट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा कैप्टन का काम हो चुका है। और वीसी बनाना चाहते हो तो वीसी में कोई दिक्कत नहीं, आप बैटिंग सेक्शन के तरफ से वीसी जा सकते हो। यदि पिच गुड फोर पेस रहता है तो तब आपको बनाना है, यदि आप स्पिनर्स रहता है तो स्पिनर्स के तरफ से आपको कैप्टन बनाना है। तो इस प्रकार से मेरा कैप्टन हो गया। और वीसी की चर्चा करते तो आपके पास दो मौका मिलता है वीसी में। तो गाइस वीसी में ये देख लो आप यहाँ पर से जो हुआ वीसी में बॉलिंग सेक्शन की तरफ से जा सकते हो वीसी के लिए, और आप चाहो तो बैटिंग सेक्शन की तरफ से भी जा सकते हो वीसी के लिए। तो इस प्रकार से आप यह टिप्स को अप्लाई करते हो तो आपको मैं कह सकता हूं 95% टिप्स जो है काफी ज्यादा यूजफुल टिप्स है। तो दोस्तों यहां पर स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग का भी मैंने आपको टिप्स बताया, यह टिप्स को आप जरूर से जरूर अप्लाई करना। आप यह टिप्स को अप्लाई कर लेते हो तो 95% जैसे मैंने आपको बोला काफी ज्यादा यूजफुल टिप्स है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखने को मिलेगा।